केमिस्ट्री स्टूडेंट हम आपकी इलेवंथ क्लास का बेटा सेकंड चैप्टर कर रहे थे तो आपको मैंने इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी तो हम इस चैप्टर में आपकी एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे बेटा कौन सी थ्योरीज आए थे एटम की स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने बेटा एटम के बारे में पढ़ा था और हमने रिजल्ट ऑफ फ्रदर फोर्ड एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया था तो नेक्स्ट बच्चे आपका है डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन एंड कनाल रेज तो इनकी कैसे डिस्कवरी हुई थी Modify cathode रे tube एक्सपेरिमेंट carried out विच led to the डिस्कवरी ऑफ protons तो so, बेटा जो मॉडिफाई जो आपका आप हमने लास्ट आपकी क्लास में ट्यूब का कथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें इसकी प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी विच लीड टू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स तो करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो करेक्ट्रिस्टिक्स कौन से होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के तो क्या होता है चार्ज टू मास रेशो ऑफ पार्टिकल डिपेंड अपॉन डिपेंड्स ऑन गैस फ्रॉम विच दीज रीजन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द दोरे डिस्चार्ज ट्यूब तो जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है मास रेशो होती है वो डिपेंड करती है पॉजिटिव चार्ज पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज आपका जो आप गैस यूज कर रहे हैं उसमें कौन सा पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन सी गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज तो कुछ जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वो मल्टीपल फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करते हैं अपने ऊपर बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड इज आपोजिट टू डी ऑब्जर्व फ्रॉम फार कथोड रेज तो जो बिहेवियर होता है चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल का और मैगनेटिक का वो एक दूसरे के अपोजिट होता है कथोड रेज में नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रंस क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी हुई थी जैम चैडविक एक साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी जिन्होंने एक थिन शीट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने क्या किया था बॉम्बरिंग इन ए थिन शीट ऑफ ब्रेलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को ब्रेलियम की जो शीट होती है थिन उसके ऊपर से मतलब उसके उसके साथ स्ट्राइक किया दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर दैन दैट ऑफ द प्रोटोन तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने देखा कि एक ऐसा चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है जिसके ऊपर मतलब कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रल है मतलब उसके ऊपर कोई भी नॉन जीरो चार्ज है तो उसको प्रोटोन बोलते हैं उन्होंने ये ये बताया था तो नेक्स्ट आपका है अटोमिक नंबर तो ऑटोमिक नंबर आपने बेटा आपकी प्रीवियस क्लासेस में ऑलमोस्ट आपकी नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा तो ऑटोमिक नंबर को आप जेड से डोनेट करते हो तो इसको आप जेड से डोनेट करोगे ऐसे तो इसको आपको ऐसे डोनेट करना होगा जेड से ठीक है तो नेक्स्ट मास नंबर तो मास नंबर को आप ए से डोनेट करते हो बेटा ठीक है तो इसको ए से लिखोगे ऐसे आप ए से लिखते हो मास नंबर को अपने को तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशंस करते हैं हम तो इसकी क्या डेफिनेशन है आपकी द नंबर ऑफ़ प्रोटोन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस तो जो नंबर ऑफ़ प्रोटोन्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में उसको टॉमिक नंबर बोलते हैं तो मास नंबर सम ऑफ़ द नंबर ऑफ़ प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस तो कुछ क्या होते हैं कुछ तो उसमें प्रोटोन प्रेजेंट होते हैं कुछ न्यूट्रॉन्स प्रे, प्रेजेंट होते हैं उसको आप न्यूक्लियस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसको आप उसका मास नंबर बोलते हैं कितना मतलब उसका अमाउंट है तो आप उसको काउंट करके उसके मास नंबर में डिफाइन करोगे नेक्स्ट इज आपका है थॉम्पसन मॉडल ऑफ एटम तो थॉम्पसन मॉडल ऑफ एटम में क्या हो क्या बोला था तो इस सेंटेंस में एग्जाम्पल ली थी इन्होंने एग्जाम्पल ली थी बेटा एक आप वाटर मेलन की एग्जाम्पल ली थी जिन्होंने आप उन्होंने डिफ़ाइन किया था कि जो हमारा वाटरमेलन होता है उसकी राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है तो उसमें जो आप देखते हो उसमें सीड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं जो ब्लैक ब्लैक सीड होते हैं ऐसे ऐसे देखो तो उनको उन्होंने क्या बोला था ये उनके पॉजिटिव चार्ज हैं आप देखते हो ना जो वाटर मेलन होता है ठीक है बेसिकली उसको आप तरबूज बोलते हो तो उसमें आप देखते हो ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं तो उसमें uh, मतलब क्या हुआ है जो हमारे ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं उनको उन्होंने बोला था ये हमारे पॉजिटिव चार्ज है ऐसा ही उन्होंने बताया था जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ठीक है उसका भी क्या होगा उसके भी जो बीच वाला पार्ट होगा उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है तो उन्होंने क्या बोला था दिस मॉडल प्रपोज दैट ऑटम इज एटम इज कंसीडर एज ए यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज स्पीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन इट तो उन्होंने बोला था हमारे पास एक स्पीयर है ठीक है जैसे बोलो देखो ऐसे स्पीयर है हमारे पास तो उसमें क्या बोला उन्होंने थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव चार्ज है एन अम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ थॉम्पसन मॉडल ऑफ एन एटम वॉज दैट मास ऑफ एटम इन कंसिडर टू बी इवनली स्प्रेड ओवर द एटम थॉम्पसन मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो कॉल्ड पलम पोडिंग पुडिंग राइसन पोडिंग अदर वाटरमेलन तो नेक्स्ट इज़ बेटा उन्होंने एक बताया था जैसे आपके पास आइसक्रीम होती है उसके ऊपर आप चेरी डालते हो ना तो उन्होंने बताया था वो जो हमारी चेरी है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ठीक है उन्होंने ऐसा बताया था इसके बारे में तो नेक्स्ट इज़ थॉम्पसन मॉडल ऑफ एटम वास्केट बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन सर्टन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लाइक दिस कैटरिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल बाय थिन मेटल ऑफ ऑइल तो बेटा ये मॉडल जो हमारा था वो फेल हो गया था क्योंकि ये प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सका था जो हमारे रिजल्ट से थिन uh, मेटल के ऊपर तो उनको प्रॉपर अच्छे से नहीं बता सका था तो नेक्स्ट बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास में हम इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे ठीक है थैंक यू